नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। हाल ही में बसपा से कांग्रेस में आए राजेंद्र गुढ़ा को गहलोत मंत्रिमंडल में ग्रामीण एवं पंचायती राज राज्य मंत्री का पदभार सौंपा गया है। यूं तो मंत्री राजेंद्र गुढ़ा अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी होने पर भी गुढ़ा के बयान चर्चा में रहे थे और अब कार्यभार संभालते ही मंत्री गुढ़ा ने अपने बयान से तहलका मचा दिया है। गुढ़ा का कहना है कि हेमा मालिनी तो अब बूढ़ी हो गई हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में अब कटरीना के गालों जैसी सड़कें बनेंगी। इस बयान के बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। अब इस बयान पर प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया है। गुढ़ा के इस बयान पर सीएम गहलोत ने गंभीर आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इस तरह के कमेंट उचित नहीं है। कई बार ऐसे कमेंट राजस्थान से तो कई बार अन्य राज्यों से आते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसे अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। सीएम गहलोत ने कहा कि मर्यादा से बाहर जाकर राजनीति करेंगे तो उसे कोई पसंद नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि गुढ़ा ने किस संदर्भ में ये बात कही मुझे नहीं पता, हम पता कर लेंगे कि किस संदर्भ में उन्होंने ये कहा और क्यों कहा। कई बार संदर्भ बदल जाता है, कहने का मकसद कुछ दूसरा होता है और चला कुछ और जाता है। मैं इतना कह सकता हूँ कि मर्यादा हर व्यक्ति को रखनी चाहिए। देखिए ये पूरा वीडियो। सर, आपने मंत्रालय निवेदन दिया है कि हेमा मालिनी पुरानी हो चुकी है, रोड कैटरीना कैफ के गाल जैसे होने चाहिए। ये देखिए, कोई कमेंट कोई दे उचित नहीं है। ऐसे कमेंट आते कई बार सुनते हैं और राज्यों से भी सुनते हैं कि राजस्थान हो चाहे कोई राज्य हो, कोई व्यक्ति कोई भी हो, उनको अपनी मर्यादा का ख्याल रखना ही चाहिए। मर्यादा से बाहर जाके राजनीति करेंगे तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा। इतना मैं कह सकता हूँ। किस संदर्भ में उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम है, पता करेंगे किस संदर्भ में उन्होंने कहा, क्यों कहा। कई बार संदर्भ बदल जाता है, कहने का मकसद दूसरा होता है, दूसरा चला जाता है, मुझे मालूम नहीं है। पर जो आपने कहा है, मैं समझता हूँ कि वो मर्यादा हर व्यक्ति को, मंत्री है या मुख्यमंत्री है, उनको ज्यादा रखनी चाहिए, हर इंसान को रखनी चाहिए, मेरा मानना। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।